एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन बेसब्री से आप सभी वेट कर रहे हो कि भैया फटाफट से नोटिफिकेशन आउट हो, और अभी तक नहीं आया है तो हो सकता है कि आपका लगभग लगभग आपका शाम तक, आपका 6 या 7 बजे तक कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है या कुछ ऐसा सर्कुलर जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, या लेट नाइट भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी जिस हिसाब से एसएससी काम कर रही है, कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है। रात के 9 बजे या 9:30 पे भी आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाए, क्योंकि आज की डेट में आपका आउट होना था 1 अप्रैल, आज हो गया। लेकिन अगर आज आउट नहीं होता है तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन है वो 3 तारीख को आपका आउट होगा। मतलब कल के दिन पूरा हॉलीडे है, तो 3 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आउट हर हाल में आपका हो जाएगा। मे बी अभी वेट करते हैं, हो सकता है शाम तक जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। हालांकि कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ वही रहेगा 2022 की तरीके। बट वहाँ पर वैकेंसी कितनी रिपोर्ट होती है, जैसा 2022 में इन्होंने 20,000 के समथिंग कुछ बताया था, लेकिन इस बार कितना रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने आपको बताया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी लगभग 4200 के करीब आपकी पता चली है आरटीआई रिप्लाई के थ्रू कुछ डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो अभी वो कितना रिपोर्ट करते हैं, मे बी एक्सपेक्टेड है कि 10,000 तक वैकेंसी कहीं ना कहीं, 10-12,000 तो कहीं ना कहीं इनको वहां पे रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब 10-12,000 करेंगे तब कहीं जाके वो 15-16,000 तक वैकेंसी पूरी होंगी जाके। अब लेकिन क्या कैसा क्या रहता है वो आपको नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे ही आपको आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ भी अगर नया कुछ अपडेट रहता है उसमें वो भी कहने के आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा।